दोस्तों नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि सॉलिड कैम 2023 के अंदर क्या क्या नई अपडेट मिला है। ठीक है, तो आइए पहले दे बहुत सारे अपडेट मिला है तो इसकी लिस्ट देखते हैं। यहां से इसको लिस्ट को मैं ओपन करता हूं। ये 29 जनवरी लास्ट अपडेट जो है 29 जनवरी 2024 का है। ठीक है, ये इतने सारे इसके अंदर बग्स थे, बग्स को फिक्स किया गया है। और उसके बाद रिलीज नोट, न्यू रिलीज क्या क्या हुआ है वो सारे लिस्ट यहाँ पे है। ठीक है, हम एक एक करके जो मेजर अपडेट है उसके बारे में हम सॉफ्टवेयर के अंदर आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एडिंस में जाते हैं। यहाँ पे हमारा जो सॉलिड कैम 2023 एनेबल है, 22 भी है, 22 को भी यहाँ से एनेबल करके आप जो मर्जी वो चला सकते हैं। ठीक है, अभी हम 23 पे दिखा रहे हैं, कैंसिल करते हैं यहाँ से। सबसे पहला अपडेट जो है इसके अंदर, यहाँ पे जो हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं इस विंडो के अंदर है। ठीक है, इसको ओपन कर रहे हैं यहाँ से। इसके अंदर पहले सारे ऑप्शन मिलता था हमें, कोऑर्डिनेट, स्टॉक, टारगेट। यहाँ पे जो मिल रहा है हमें न्यू ऑप्शन वो है रिकॉग्नाइजेशन के अंदर। मॉडल के अंदर क्या क्या फीचर्स को रिकॉग्नाइज किया गया है यहाँ से इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। जब इसको ऑन करेंगे तो डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बिना भी आप प्रोग्राम बना सकते हैं, लेकिन अगर जो फीचर रिकॉग्नाइजेशन जैसे हॉल विजार्ड वगैरह आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर यहाँ से इसको एनेबल करके रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं। दूसरा जो अपडेट मिल रहा है इसके अंदर वो सॉलिड कैम 3D HSR के अंदर है। HSR पे हम जाते हैं, एक HSR है 3D। इसके अंदर दो ऑपरेशन नए ऐड हो गए हैं, एक तो एज ब्रेकिंग का है और दूसरा एज ट्रिमिंग। इन दोनों ऑपरेशन को भी यूज कर सकते हैं, यूज करके आगे देखेंगे वो कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, ये एज के लिए है। और बाकी जो HSR के अंदर है वो पुराने जो 5 ऑपरेशन थे रफिंग के अंदर, वो 5 के 5 यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद जो एक और अपडेट है वो है HSS के अंदर, सॉलिड कैम HSS 3D। इसके अंदर जो है पैरेलल टू कर्व के अंदर एक अपडेट मिला है जो कि एज डेफिनेशन के नाम से आया है। ठीक है, सॉरी, कर्व डेफिनेशन। यहाँ पे ये दो ऑप्शन यूजर डिफाइन और ISO कर्व, इनको भी यूज करके देखेंगे काम कैसे करता है। और सेम ऑप्शन यहाँ पे कर्व डेफिनेशन सिमल्टेनियस 5 एक्सिस के अंदर आपको मिलेगा पैरेलल टू कर्व के अंदर ही। और भी बहुत सारे अपडेट्स इसमें आए हैं, इस पर बहुत अच्छा सॉलिड कैम ने किया है। जो चीज़ की रिक्वायरमेंट थी उन्होंने कई सारे चीज़ों को देखते हुए वो सब चीज़ें सॉल्व किया और उसको पूरा किया है पैरेलल टू कर्व के अंदर। ठीक है, ज्योमेट्री पे आते हैं, यहाँ पे वही ऑप्शन यहाँ पे अपडेट हो गया है कर्व डेफिनेशन के नाम से। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा जो यूजफुल है वो मैं बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सी जो अपडेट है वो कौन सा है। तो यहाँ पे हम आते हैं टूल किट के अंदर, टूल किट को ओपन कर रहे हैं यहाँ से। इसके अंदर दो ऑप्शन नए ऐड हुआ है, एक तो यहाँ पे है क्या है फेवरेट टूल्स का ऑप्शन आया है। कोई भी बॉल नोज एंडमिल वगैरह जो आपको बार बार चलाने की ज़रूरत हो यहाँ से उसको फेवरेट में सेलेक्ट कर सकते हैं, वो हर बार वही आएगा जब भी सेलेक्ट करेंगे तो आप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक फिक्चर का बटन ऐड हो गया है। फिक्चर बटन पे क्लिक करते ही सारे फिक्चर आपको यहाँ पे दिखाई देगा, एसोसिएटिव फिक्चर, फिक्चर जॉ, वॉइस चक और कॉलर चक। इनको कैसे यूज करना है इसके बारे में भी हम एक एक करके सभी को बताएंगे। जैसे वॉइस यूज करना है तो वॉइस कहाँ पे यूज करना है, टेबल पे यूज करना है तो वॉइस टेबल पे यहाँ पे रखना पड़ेगा ड्रैग करके। ठीक है, चक को कहाँ लगाना है, चक को टेबल पे लगाना है, स्पिंडल पे लगाना है, कॉलर चक को कहाँ लगाना है। तो 3 एक्सिस में भी आप चक को यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया वो आप देख सकते हैं। तो हम यहीं से डायरेक्टली, हमें 3D के अंदर कोई भी मॉडल बनाने की जरूरत नहीं, असेंबली बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम यहाँ से फिक्चर सेलेक्ट करके और उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारा सॉलिड वेरीफाई में और मशीन सेटअप के अंदर वो फिक्चर डिफाइन हो जाएगा। दूसरा इसके अंदर जो है सेटअप के अंदर मिला है बहुत ज़्यादा ही अपडेट। सेटअप पे राइट क्लिक करते हैं, एडिट करते हैं। ठीक है, एडिट करने के बाद देखिए यहाँ पर तो टेबल का ऑप्शन वहाँ मिल रहा है, यहाँ पे पार्ट माउंटिंग एक ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, पार्ट माउंटिंग, उससे पहले हम टेबल पे आते हैं। यहाँ पे जो मिल रहा है एक बटन मिल रहा है शो फिक्चर इन 3D व्यूअर, यहाँ से शो फिक्चर का बटन मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको जनरेट फिक्चर इनवेलप है और यहाँ पे जनरेट टारगेट इनवेलप है। यहीं से आपको मशीन प्रीव्यू यहीं खुल जाएगा, इसको ओपन करेंगे तो
जो फिक्चर आप डिफाइन करेंगे, ये यहाँ पे दिखाएगा मशीन पे कैसे ये माउंट हो रहा है। मशीन पे आप प्रॉपर माउंट कर सकते हैं, हाइट वगैरह सब कुछ इसमें सेट कर सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पे आप मैनुअली भी दे सकते हैं हाइट, या फिर ऑटोमेटिक इसके अंदर ऐसा बटन है जो कि उससे ऐड कर सकते हैं। वन क्लिक में आपका फिक्चर सेट हो जाएगा। यहाँ से डायरेक्टली आप यहाँ से डिफाइन नहीं करें, डायरेक्टली यहाँ से टूल किट को ओपन कर सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ पे फिक्चर बटन में यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो फिक्चर आपको चाहिए जैसे चाहिए अपने हिसाब से डिफाइन करके ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, और ऐड करने के बाद यहाँ पे पार्ट माउंटिंग पे आते हैं। यहाँ पे जो मिल रहा है हमें ये बटन जो है ये ऑटोमेटिक क्लोज ऑन स्टॉक, ये डायरेक्टली जैसे इस पे ऊपर क्लिक करेंगे आप, ठीक है, आपका ऐसो जॉज कितना भी बाहर हो बिल्कुल क्लिक करते स्टॉक के ऊपर ऑटोमेटिक क्लैंप कर देगा। ठीक है, तो इतने सारे अपडेट आए हैं, बहुत सारे अपडेट आए हैं इसके अंदर, ये सबको हम एक एक करके इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि फिक्चर का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था सॉलिड कैम में, क्योंकि अलग से असेंबली करो फिर फिक्चर बनाओ, है ना। अब हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप इंटरनल के अंदर भी पार्ट को सेव कर रहे हैं, तो डायरेक्टली क्या होगा आपको कि सीधा टूल किट के अंदर जाना है, फिक्चर डिफाइन करना है, तो वो 3D में आपको दिखाएगा। जैसे एक मैंने एक पार्ट बनाया है उसके ऊपर मैंने आपको दिखा रहा हूँ, 3X के टेबल पर मैंने एक चक माउंट किया है, चक के अंदर जो है मैंने मशीनिंग किया है, ठीक है। अभी देखिए इसके अंदर कहाँ फिक्चर माउंट है, सेटअप, एडिट, मशीन प्रीव्यू, यहाँ पे देखिए ये 3D के अंदर चक लगाया है मैंने। हमने कुछ भी अलग से कोई भी मॉडल असेंबली नहीं किया है, एक्टिवेट हो जाते हैं यहाँ से, यहाँ पे हमें दिखाई दे नहीं दे रहा है, राइट क्लिक सिमुलेट करते हैं एक बार और सॉलिड वेरीफाई जैसे ही करेंगे और फिक्चर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर जो कोई वॉइस होगा तो वॉइस भी हमें यहाँ पे क्लैंप करें, हम असेंबली के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, असेंबली को यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये नहीं था तो पहले क्या करना होता था, हमें एक असेंबली में वॉइस बनानी पड़ती थी, फिर उसको असेंबली करनी पड़ती थी और उसके बाद हमें वो करना पड़ता था, फिर उसको फिक्चर में डिफाइन करना पड़ता था। यहाँ पे जो फिक्चर स्टोरेज का बटन था पहले, यहाँ से हट गया, यहाँ पे वो नहीं मिल रहा है, डायरेक्टली टूल किट के अंदर वो पहुँच गया है, उसके जगह पे फिक्चर का बटन आ गया। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और है कि ये जो होल्डर देख रहे हैं, हमें बार बार होल्डर को ऐड करना पड़ता था किसी भी टूल के लिए। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टूल किट के अंदर एक सेटिंग है, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे सेटिंग ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पे अडाप्टर एडेड ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द मशीन, ये ऑप्शन जैसे ही ऑन करेंगे यहाँ से सेव कर देते हैं, सेव एंड एग्जिट। ठीक है, अब हम टूल किट को ओपन कर रहे हैं, यहाँ से टूल विंडो को हम यहाँ से ऑन कर लेते हैं। ठीक है, हम कोई भी नया टूल ऐड करते हैं, अभी देख रहे हैं इसके अंदर वो फिक्चर आ रहा है, हमें एक ऑप्शन और भी ऑफ करना होगा, यहाँ से फाइल्स व्यू सेटिंग इसको भी ऑफ करना होगा। अब हम कोई नया टूल ले रहे हैं तो हमारे इसके अंदर होल्डर नहीं है, अडाप्टर नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम से व्यू में जाके यहाँ से सेटिंग को हम ये वाले ऑप्शन को ऑन करेंगे, तो जो भी मशीन में हमारा सैंक होगा BT40 HSK उसके हिसाब से ये होल्डर ऑटोमेटिक माउंट हो के आएगा। बस हमें क्या होगा, अडाप्टर माउंट करना होगा, सॉरी अडाप्टर है, होल्डर हमें अलग से माउंट करना होगा। यहाँ पे जाते हैं, इसके अंदर जाते हैं, ठीक है, BT40 का क्या चाहिए कुछ ऐसा अडाप्टर, हाँ ये होल्डर है, इसके ऊपर हमें यहाँ पे ड्रैग करके रखेंगे, इसके अंदर ये होल्डर माउंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन के लिए हम एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, हम जो कैसे सेट करना है, वॉइस कैसे सेट करना है इसके ऊपर। ठीक है, तब तक के लिए बाय।